समय हूँ। देख चुका मोहनजोदड़ो से लेकर ताजमहल तक का भारत का उतार चढ़ाव, आर्यों से लेकर मुगलों तक की शांति मारकाट, सब देख चुका मैं। आइए व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर साल 2032 की एक रोचक यात्रा पर चलें। बाबूजी आप तो बहुत ही बुड्ढे हो गए हो, आराम नहीं करते क्या? कहीं गिर पड़ गए तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अरे नादान, जब वो हरिवंश का छोरा अमिताभ हर साल सर्जरी करा करा के भी इतना काम कर लेता है, तो मैं तो समय हूं, मुझे आराम कहां। तो दर्शकों, देखना चाहेंगे साल 2032 के एक दिन की झलकियां? चलिए। अरे गप्पू उठ यार, तेरे अलार्म से तो पूरी बिल्डिंग के लोग जाग गए और तू तो 5 साल की सरकार की तरह ही सोया है। उठ यार बेटा, 30 मिनट के लिए जो 10 बाल्टी पानी आता है ना, वो भी चला जाएगा। पापा आप भी थोड़ा सो लो, पानी नहीं आएगा आज। रास्कल, क्या सुबह सुबह मनुष्य बोल रहा है, क्यों नहीं आएगा पानी? पापा कल मैसेज आया था वाटर बॉक्स से, नया प्रस्ताव पारित हुआ है पालिका में कि जिस घर में नहीं कोई महिला या बालिका, उससे हर दूसरे दिन पानी नहीं देगी पालिका। अजी ये क्या बात हुई, ये क्या नियम हुआ, बिना पानी करेंगे क्या? सत्यानाश, जैसे तैसे तेरे दादा ने पूरा भारत छान कर तेरे लिए माँ यानी मेरे लिए पत्नी ढूंढी, कितनी शर्तें मानी, मिन्नतें की। अब तेरी माँ नहीं रही, बुआ मौसी तेरी थी नहीं, बहन तेरे लिए हमने की नहीं, तो महिला पात्र घर में रही नहीं। देखता हूं शायद काम वाला भाया होगा। आह, एक जमाने में काम वाली बाई चंदा आती थी, साथ में बेटी सुगंधा लाती थी, देख जिसे दिल की धड़कन गीत गाती थी। हाय मालिक, हाय मैं मर गया, बर्बाद हो गया। आजा मिलकर महफिल जमाते हैं रोने की। यार तू तो आबाद कहाँ था जो बर्बाद हो गया। हाय मालिक, कपड़े धोने की मास्टर्स डिग्री ले ली थी हमने, 15 साल का वर्क एक्सपेरिमेंट रहा हमरे पास, LG वाले भी हमें लिए एडवर्टाइज मां, पर कॉलेज वाले डिग्री नहीं दे रहे। अब कहते हैं किसी कपड़े धोने वाली महिला के दस्तखत लाओ, देंगे तब। तो ले जाबे दस्तखत, इसमें नौटंकी क्या है? गप्पू भैया, बुद्धि मैकडोनल्ड में पिज्जा खाने गई है क्या आपकी? आस पड़ोस और जान पहचान के किसी घर में दूर दूर तक कोई महिला है ही नहीं, तो कपड़े धोने वाली महिला कहाँ बची बिरादरी में। हाय भैया, हम तो डिप्रेशन में चले गए, सब मेहनत बेकार हमरी। दस्तखत लाई दो किसी महिला का, पैसे दे देंगे। पापा रिलायंस वेजी फ्रूट का नया ऑफर आया है, 1 महीने की सब्जी और फल मुफ्त पाओ, बदले में किसी लड़की से 2 मिनट फोन पर बात करवाओ। गप्पू मंगल ग्रह से कॉल करवाएगा क्या, यहाँ कहाँ है कोई परिचित लड़की जो एहसान करेगी हम पर। बाबा मेरी क्लास में थी ना वो जूही, वो अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, उससे व्हाट द हेल्प पर बात हुई थी, वो कर देगी ये फेवर। चलो कोई तो सलीके का काम होगा,
वरना आज तो हाय तबा मची थी सुबह से। अपना बचपन याद करता हूँ तो आंखें भर आती है। आंगन में माँ अनाज बीनती, बुआ गुनगुनी धूप में मुझे बायो पढ़ाती, बगीचे में तितली गाती और पेड़ पर चिड़िया चहचाती। कितना तकदीर वाला था मैं और कैसा मेरा फकीर बेटा। मेरी ही गलती रही, बेटी नहीं की। एक बार में ही फाइल बंद कर दी, लालची हो गया, कौन झंझट ले। भाई की औलाद हुई नहीं, बहन की दोनों बेटियां पढ़ लिखकर विदेश चली गई, माँ को भी ले गई। अरे परमानंद देख बेटा जरा, ये आज कैसी खबर आई है, हंसी भी आ रही है और रोना भी। वो क्या, लोकसभा उम्मीदवार के लिए कम से कम एक बेटी का बाप होना जरूरी होगा। लो ये अच्छा हुआ। अरे कलमोह बंद करो ये दमदमादम, यहाँ 84 की उम्र में मेरा दम कभी भी निकल सकता है, जरूरी बात है, बंद करो। खैर ये सब छोड़, मैं ये कह रहा था कि अपने गप्पू के लिए कोई लड़की ढूंढ कर उसकी शादी कराने के बाद ही चैन से स्वर्ग जा सकूंगा मैं। पापा जी फिर तो आपका स्वर्ग आना मुश्किल लगता है। अबे क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है कि गप्पू के लिए लड़की मिलना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान में पेड़। आप हाला देख ही रहे हो, हाहाकार मचा है लड़कियों की कमी से, 10-12 साल में विलुप्त हो जाएंगे। अरे एक लॉटरी लग सकती है, मेरे लंगोटिया यार की पोती है, वो सारा समझदार निकला, 3 बेटियां की उसने, पाला पोसा प्यार से, आज तीनों से 3 दोहितियां हैं बंदे की। बात कर ली मैंने, बता दिया कि हमारा गप्पू घर बैठे मोटी कमाई करता है, A+ हर सर्टिफिकेट भी है लड़के के पास, वरना आजकल हर जवान डायबिटीज और डिप्रेशन का शिकार नजर आता है। वेटिंग लिस्ट चेक किया आपने पहले? हाँ 5100 लड़के हैं, लंबी लाइन है पुत्र, एक से बढ़कर एक। फिर गप्पू तो गया काम से। हेलो, हाँ माता दीन यार तेरी ही बात कर रहा था। हाँ हाँ हम कल ही लेकर आते हैं गप्पू को। हो गया क्या यार, देख तो लेता मेरे पोते को, लाखों में एक है। अच्छा हेलो, ओहो ठीक है फिर तो माता दीन। क्या हुआ पिताजी, क्या कहा उन्होंने? अरे यार परमा, वो माता दीन के पोते के लिए बहू लानी थी तो लड़की के बदले लड़की लाएंगे अगले। रुपया पैसा बंगला विदेश नौकर चाकर सब सस्ते हैं, बेटी पत्नी बहू बुआ मौसी दादी ये महंगे हैं सब। लो ये संभालो, ऑर्गेनिक है सारी, बिना जहर की, गाय के गोबर से तैयार, नो फर्टिलाइजर नो पेस्टिसाइड्स। अरे टीवी ऑन करो, वहां मॉल में देखा था अभी कुछ सनसनीखेज आ रही है न्यूज चैनल पर। और अब खबरें, स्वास्थ्य चिकित्सा बीमारी महामारी की मानव दुर्योधन विकास मंत्रालय ने एक ऐसा वार्ता में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए आज। प्रति 1000 पुरुषों पर 100 महिलाएं होने की वजह से अस्पतालों में अब कन्या भ्रूण हत्या की जगह कन्हैया भ्रूण हत्या की खबरें आ रही है। कई दंपति कन्या रत्न के लालच में पुत्र के भ्रूण से छुटकारा पाते नजर आ रहे हैं। चैन से सोना है तो अब जाग जाइए, चैन से सोना है तो अब जाग जाइए, पहले बेटी बचाने का नारा था, अब तो बेटों को बचाइए। अरे भाई डट, काम की बात करने दे ना से। भाइयों और बहनों, जिंदगी को ऐसी रेगिस्तान सी सूखी सुनी ना बनाओ, अभी भी वक्त है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। धन्यवाद, रहो आबाद। I do believe, on serious note, that world without she element would not only be dull, but also warped.
let's come together and promise ourselves to save and protect Girl Child.